अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं जो ब्रेन स्टेम का पार्ट है वो समझाऊंगा, इस मॉडल के थ्रू जितना समझा सकता हूँ। अच्छा, ब्रेन स्टेम में पता होना चाहिए, ब्रेन स्टेम इज मेड अप ऑफ थ्री पार्ट्स, योर मेड्युला, योर पॉन्स एंड मिड ब्रेन। सेरेबेलम इज नॉट पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम, इवन दो थ्रू मिट एंड सेफेलॉन जो पॉन्स और सेरेबेलम है वो ड्राइव होते हैं, लेकिन सेरेबेलम हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है, ब्रेन स्टेम का पार्ट नहीं होता। सेरेबेलम पीछे को इन सबसे ब्रेन स्टेम के स्ट्रक्चर से कनेक्ट हुआ था थ्रू सेरेबेलर पेडंकल्स। सबसे पहले हम मेड्यूला की बात करते हैं, ये एंटीरियर है और जो ये वाला है सारा ये पोस्टीरियर है। एंटीरियरली क्योंकि मेड्यूला नीचे स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट हुआ होता है, तो जो बीच में ये आ रहा है ये होता है एंटीरियर मीडियन फिशर, और इसके साथ ही ये जो दो स्वेलिंग्स नज़र आ रही हैं दीज आर कॉल्ड योर पिरामिड्स। और पिरामिड्स के यहाँ नीचे डिकसेशन ऑफ पिरामिड्स होती है, इसमें जो आपका कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट है वो इनके थ्रू ओके कहते हैं पास करता है, और जहाँ फिर डिकसेशन ऑफ पिरामिड्स होती है इस पॉइंट पे, वहाँ से आपका फिर लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट निकलते हैं। पिरामिड से पोस्टीरियर लेटरल ये कॉर्ड्स वेलेंगे, ये इसको हम कहते हैं ओलिव्स। इसको हम ओलिव्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके नीचे अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे इनफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस होता है। अब ऑलिव्स और पिरामिड्स के दरमियान से एक नर्व निकलती है विच इज़ योर हाइपोग्लॉसल नर्व, योर क्रैनियल नर्व नंबर 12। पिरामिड्स और ऑलिव्स के दरमियान से हाइपोग्लॉसल नर्व निकलती है। पीछे को इससे और पोस्टीरियर लेटरली अगर जाएं, ऑलिव्स पीछे कनेक्ट हुए हुए होते हैं, आपका जो मेड्यूला है वो सेरेबेलम से कनेक्ट हुआ थ्रू इन्फीरियर सेरेबेलर पेडंकल्स, वहाँ पे चांस वो कनेक्ट हुआ होता है, उसके बीच में एक ही ग्रूव बनता है, ये नज़र आ रहा हूँ यहाँ पे येलो येलो। इस ग्रूव में से तीन नर्व्स निकलती हैं, अब इसमें आई थिंक वीडियो में अगर सही से नज़र आ जाए, तीन नर्व्स निकलती हैं इस ग्रूव के थ्रू, योर ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व विच इज़ क्रैनियल नर्व नंबर 9, योर वेगस नर्व विच इज़ क्रैनियल नर्व नंबर 10, एंड योर एक्सेसरी नर्व उसका क्रैनियल पार्ट विच इज़ योर क्रैनियल नर्व नंबर 11। ठीक हो गया, ये क्या कहते हैं, ये एंटीरियर साइड थी, जो ये है ये इसकी पोस्टीरियर साइड है। जिस तरह मैंने पहले कहा कि मेड्यूला जो है वो उससे कनेक्ट हुआ तो स्पाइनल कॉर्ड से, तो ये जो बीच में आ रहा है दिस इज कॉल्ड पोस्टीरियर मीडियन सल्कस। फिर यहाँ पे दो ट्यूबरकल्स होते हैं, सबसे जो मीडियली होता है वो ग्रेसाइल ट्यूबरकल होता है, सबसे जो लेटरली होता है वो होता है क्यूनियर ट्यूबरकल। इनके नीचे आपका ग्रेसाइल न्यूक्लियस और क्यूनियर न्यूक्लियस पाया जाता है, जो DCML ट्रैक्ट होता है, डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस ट्रैक्ट, उनका सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ पर आकर डिकसेट करता है, क्योंकि यहाँ पे क्यूनियट न्यूक्लियस होता है एंड यहीं पे आपका ग्रेसाइल न्यूक्लियस होता है। मेड्यूला के जो लोअर हाफ है, लोअर हाफ मेड्यूला का, उसके अंदर सेंट्रल कैनाल होगी क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड है, लेकिन जो मेड्यूला का अपर हाफ होगा सुपीरियर हाफ, इसके अंदर होगी फोर्थ वेंट्रिकल, मतलब जो ये कहते हैं बीच में सेंट्रल कैनाल आ रही है, ऊपर जो आएगा फिर सेंट्रल कैनाल से ऊपर वो होगी फोर्थ वेंट्रिकल है। ये पूरा स्ट्रक्चर था मेड्यूला का। उसके बाद हम आते हैं पॉन्स पे। अब पॉन्स में एंटीरियरली बीच में एक ग्रूव होता है विच इज़ नोन एज बेजिलर ग्रूव, यहाँ से आपकी बेजिलर आर्टरी पास करती है। इसमें पॉन्स में एंटीरियर लेटरली ट्राइजेमिनल नर्व निकलती है आपकी विच इज़ योर क्रैनियल नर्व नंबर 5। अगर हम इसमें सबसे मीडियली देखें, सबसे मीडियली और जो सबसे छोटा वाला है वो आपका ट्राइजेमिनल नर्व का मोटर कंपोनेंट होगा, और जो सबसे बड़ा वाला है और सबसे लेटरल कंपोनेंट है वो ट्राइजेमिनल नर्व का सेंसरी कंपोनेंट होगा, मोटर कंपोनेंट सेंसरी कंपोनेंट। अब पॉन्स के क्या कहते हैं, पॉन्स और मेड्यूला जहाँ पे जंक्शन है वहाँ जंक्शन के बीच तीन नर्व्स निकलती हैं फ्रॉम मीडियल टू, मैं लेटरल समझाता हूँ, मीडियल ये साइड है, लेटरल ये साइड है। क्रैनियल नर्व नंबर 6 विच इज एब्ड्यूसर नर्व, क्रैनियल नर्व नंबर 7 विच इज फेशियल, एंड क्रैनियल नर्व नंबर 8 विच इज वेस्टिबुलोकॉक्लियर। ये मीडियल से लेटरली पॉन्स और मेड्यूला के जंक्शन के दरमियान निकलती हैं एंटीरियर साइड पर पॉन्स की। पोस्टीरियरली अगर देखें तो ये आपकी रूफ बना रहा है फोर्थ वेंट्रिकल की। पोस्टीरियरली देखा जाए बीच में, अब इसमें सही से नज़र नहीं आ रहा इतना, पर बीच में पहुंच के पीछे से अगर देखें तो पोस्टीरियर साइड पे बीच में होती है मीडियन सल्कस, मीडियन सल्कस के लेटरली होती है मीडियल एमिनेंस, और मीडियल एमिनेंस के लेटरली होती है सल्कस लिमिटेंस। अब जो मीडियल आई थिंक इट्स दिस वन, जो मीडियल एमिनेंस के लेटरली जो होती है नीचे एक कॉलिकुलस बनता है जिसको हम फेशियल कॉलिकुलस का नाम देते हैं, वो फेशियल कॉलिकुलस की होती है क्योंकि अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो जो फेशियल नर्व की रूट है वहाँ पे फेशियल कॉलिकुलस वाली साइड पे वो फेशियल नर्व की रूट एब्ड्यूसर नर्व के न्यूक्लियस के थ्रू यूँ वाइंड अराउंड कर रही होती है। स्नेल्स की किताब में अच्छा से लिखा है, जो फेशियल नर्व की रूट है
वो यहाँ फेशियल कॉलिकुलस पे एब्ड्यूसर नर्व के न्यूक्लियस को यूँ वाइंड अराउंड करेगी और ये आपके पाया जाएगा जो मीडियल एमिनेंस है उसके उसके नीचे पार्ट पे। फिर जो मीडियल एमिनेंस से लेटरली था वो था सल्कस लिमिटेंस। सल्कस लिमिटेंस के इन्फीरियर पार्ट पे आपका होता है वेस्टिबुलर एरिया, क्योंकि उसके नीचे आपका वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई होता है। ये सारी कहानी थी पॉन्स की। अब हम मेन आ जाते हैं मिड ब्रेन पे। ये सारा, ये ऊपर तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, ये जो सारा ये मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन में जो ये वाली नर्व है, दिस इज योर ऑकुलो मोटर नर्व विच इज योर क्रैनियल नर्व नंबर 3 एंटीरियर साइड पे। ये जो ये क्रस सेरेब्राई है मिड ब्रेन की, ये लाइन है क्रस सेरेब्राई ऑफ मिड ब्रेन। ये जो ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा है ये मेमोरी बॉडीज है मिड ब्रेन की। मेमोरी बॉडीज के बाद जो ये नज़र आ रही है ये उभार सी टाइप, स्वेलिंग सी टाइप, उभार स्वेलिंग तो नहीं, एलोंगेशन सी टाइप, ये है बेसिकली आपका ऑप्टिक कैज़मा। ऑप्टिक कैज़मा यहाँ पे बनता है, ये मेमोरी बॉडी हो गई और इसके नीचे ट्यूबरकुलम सिनेरम या ट्यूबरकुलम सिनार, आई थिंक इट वॉज जस्ट लाइक दैट, इस तरह की कोई प्रोनाउंसिएशन थी, वो ये नीचे होता है जो ये दोनों ट्यूबरकुलम सिनेरम था। ट्यूबरकुलम सिनेरम, ऑप्टिक ट्रैक, ऑप्टिक कैज़मा, मेमोरी बॉडी, ऑकुलोमोटर नर्व, क्रस सेरेब्राई ऑफ मिड ब्रेन, बीच में होता है इंटरपेडंकुलर फॉसा और इंटरपेडंकुलर फॉसा के अंदर होता है पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस। पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस इसलिए होती है क्योंकि आपकी कुछ वेसल यहाँ के परफोरेट करती इस बीच ग्रूव में, तो दिस इज कॉल्ड पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस। ये क्रस सेरेब्राई मिड ब्रेन को हो गया। और पोस्टीरियरली देखा जाए, पोस्टीरियरली ये जो दो होंगे ये सुपीरियर कॉलिकुलस, ये जो दो होते हैं ये इन्फीरियर कॉलिकुलस। पूरे ब्रेन स्टेम के पार्ट में सिर्फ एक नर्व पोस्टीरियर साइड से निकलती है जिसको हम कहते हैं ट्रॉक्लियर नर्व, क्रैनियल नर्व नंबर 4। बाकी जितनी भी नर्व्स हैं वो हमने सारी दिखा दी थी, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंट, फेशियल, वेस्टिबुलर, कॉक्लियर, हाइपोग्लॉसल, हाइपोग्लॉसल, ग्लॉसोफेरिंजियल, वेगस, एक्सेसरी नर्व, ये सारी एंटीरियरली निकलेंगी, सिर्फ ट्रॉक्लियर पोस्टीरियरली निकलती है। ये जो दो ऊपर थे ये थे सुपीरियर कोलिकुलस, दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर विजुअल पाथवेज। जो नीचे थे वो थे इन्फीरियर कोलिकुलस, दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर ऑडिटरी पाथवेज। सो दैट वाज ऑल इट जो इस इसके थ्रू मैं समझा सकता हूँ। बीच में हाँ ये भी मैं बता देता हूँ, ये सुपीरियर ब्रेकम है जो कि सुपीरियर कोलिकुलस को कनेक्ट, सुपीरियर कोलिकुलस और ऑप्टिक ट्रैक से कनेक्ट कर रहा था लेटरल जेनिकुलेट बॉडी को। एक आपकी मीडियल जेनिकुलेट बॉडी होती है और लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी यूजली सुपीरियर कोलिकुलस के साथ ही अटैच हुई होती है, जो मीडियल होती है वो इन्फीरियर के साथ हुई भी होती है। और हाँ दैट वाज इट, ये सारा ब्रेन स्टेम का पार्ट था। ब्रेन स्टेम इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि क्रैनियल नर्व 3 से लेकर जो कि क्रैनियल नर्व 12 तक के सारे न्यूक्लियस मैंने दिखा दिए इसी में होते हैं। आपके असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रैक्स इसी के थ्रू पास कर रहे होते हैं और आपके उसमें इंपॉर्टेंट कार्डियोवेस्कुलर और रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन सब के जो भी न्यूक्लियस होते हैं वो सारे जो मेंटेन्ड होते हैं कंट्रोल, वो जो होते हैं वो यहीं पॉन्स और मेड्यूला इन्हीं के थ्रू होते हैं विच इज़ पार्ट ऑफ योर ब्रेन स्टेम। सो दैट वाज इट। अगर इसमें और कोई चीज़ समझनी हो तो बता दीजिएगा, मैं समझा दूँगा। ये फोर्थ वेंट्रिकल थी। एक और चीज़ बस मैं बताना भूल गया, मिड ब्रेन के जो पोस्टीरियर होते हैं वो टेक्टम होती हैं और क्या कहते हैं मिड ब्रेन में आता है सेरेब्रल एक्वेडक्ट। मिड ब्रेन में सेरेब्रल एक्वेडक्ट होते हैं, जो CSF होते हैं वो नीचे सेंट्रल कैनाल में था, फिर फोर्थ वेंट्रिकल में आया, फिर सेरेब्रल एक्वेडक्ट के थ्रू वो ऊपर थर्ड वेंट्रिकल में चला जाता है। थर्ड वेंट्रिकल इसमें दिखाई गई नहीं है। मिड ब्रेन में जो एंटीरियरली होते हैं वो होते हैं क्रस सेरेब्राई, फिर क्रस सेरेब्राई से पीछे आते हैं टेगमेंटम। इंटरनल स्ट्रक्चर की बात है, क्रस सेरेब्राई और टेगमेंटम के बीच में सब्सटेंशियल नाइग्रा होगा, फिर टेगमेंटम और टेक्टम के बीच में सेरेब्रल एक्वेडक्ट होगी। सो दैट वॉज योर ब्रेन स्टेम। थैंक यू।